कक्षा अष्टम संस्कृत व्याकरण आज 13/5/20 को मैं बता रहा हूँ संधि के बारे में। कल भी मैंने बताया था आपको कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा आप पहले जान चुके हैं। उस संधि की परिभाषा के अंतर्गत संधि की जो है तीन भेद होते हैं, मुख्य रूप से स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम आज जानेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है? तो स्वर के साथ स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा हो गई कि स्वर संधि है क्या। तो स्वर के साथ स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दिया है कि श्री धन ईशा श्रीशा, ध्यान दिया श्री धन ईशा श्रीशा अर्थात श्री में यह दीर्घ स्वर है ई और इस में भी ई है, दोनों दीर्घ है, दोनों दीर्घ है, फिर भी जो है ये दोनों मिलेंगे तो बनेंगे श्रीशाह। श्री होता है लक्ष्मी, इसमें होता है स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी का वो श्री श्री कहते हैं इसको श्री शाह। ये भवन उदाहरण आपको दे दिया, इसलिए फिर एक बार फिर जान लेंगे स्वर के साथ स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे श्री धन ईशा श्री शाह, स्पष्ट हो गया। अब हम चलेंगे कि स्वर संधि के भी प्रकार हैं। जैसे कल हमने बताया आपको कि संधि के तीन प्रकार हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने उसके बारे में डिटेल भी आपको बता दिया है कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है। तो आज भी जाने हम कि स्वर संधि के पांच भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयाति संधि। ये स्वर संधि के पांच प्रकार हुए। अब सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे, क्या ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर समझें इसको, स्वर संधि के पांच प्रकार हुए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाति संधि। ये पांच प्रकार हुए। वैसे भी इसके और डिटेल्स में हम जाएंगे तो तीन और संधि जो है अतिरिक्त भी है, जैसे पूर्व संधि, परूप संधि, प्रकृति भाव संधि। लेकिन वह अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो डिटेल में जो 9th और 10th में जाने पर आप इसको समझेंगे। फिर एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, स्वर के साथ स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे श्री धन ईशा श्री ईशा, और भी हो सकता है इसे कमल धन आकर कमलाकर, महाधन ईशा महेशा, महीधन ईशा महिषा, है ना। उसके बाद गंगाधन उद्गम गंगोद्गम, बहुत से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। इसलिए अभी हम इस स्वर संधि के पांच प्रकार बताए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाति संधि।